हेलो गाइस, आज बात करेंगे ऑल न्यू होंडा सिटी फेसलिफ्ट के बारे में। इसमें आपको क्या क्या चेंज मिला है, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। एंड फेसलिफ्ट ने ज्यादा क्या बदलाव किया है ये भी जानने को मिलेगा। और हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और बात करूँ फ्रंट से, तो इसमें आपको दिए जाते हैं 9 LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाता है, फिर रात के टाइम और काफी शानदार दिखता है। एंड अब बात करें बदलाव, यहाँ पे आपको DRLs एंड इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आप देखते हो तो आपको देखने को मिल जाते हैं फॉग लैंप। अब यहाँ पे आपको फॉग लैंप देखने को मिल जाते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पे इंडे ये नया देखने को मिल जाता है कार्बन फाइबर फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है, जो कि काफी शानदार दिखता है। स्पोर्टी लुक भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिशिंग क्योंकि शानदार लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप ग्रिल देते हो तो पहले आपको यहाँ पे बहुत बड़ा क्रोम देखने को मिल जाता था, अब यहाँ पे ग्रिल दे दी गई है। और यहाँ पे होंडा का लोगो, ये जो देख रहे हो यहाँ क्रोम ट्रीटमेंट बहुत ही छोटा कर दिया गया, बट हेडलैम्प में पूरा कवर करा है ये, और काफी शानदार लुक प्रोवाइड कर। ये एलॉय व्हील की डिजाइन भी चेंज कर दी गई है। और अब बात करूँ टायर प्रोफाइल की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है 185/55R16 का आपको इसके अंदर टायर देखने को मिल जाता है। आगे की तरफ पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है इस मॉडल में। यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, और ये तो मिरर देखो शानदार देखने को मिल जाता है। अगर आप लॉक करोगे तो फोल्ड हो जाएंगे, और अनलॉक करोगे तो अनफोल्ड हो जाएंगे आपके मिरर। कीलेस एंट्री के साथ आती है, और यहाँ पे अगर आप होल्ड करके रखोगे तो इसमें आपका बूट भी ओपन हो जाएगा। होल्ड करके रखने से थोड़ा आपका बूट भी के अंदर पिंच हो जाएगा, और फिर आप ओपन भी कर सकते हो। बूट स्पेस की बात करूं तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है 556 का आपको इसके अंदर बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, 506 लीटर का इसके अंदर आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंसुलेंस भी दी गई है जिससे रोड नॉइज कम होगी एंड लग्जरी फील भी आता है। अब बात करूं यहाँ पे हेडलैम्प की, तो LED हेडलैम्प भी देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर, एंड यहाँ पे इंडिकेटर, एंड यहाँ पे ब्रेक लाइट, एंड यहाँ से आपको रिवर्स कैमरा भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे साइड एंड टू साइड आपको 4 पार्किंग रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से आप देखे तो कार्बन फाइबर फिनिशिंग आपको भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी स्पोर्टिफुल फील होती है, एंड यहाँ पे काफी शानदार लुक्स भी प्रोवाइड कराती हैं आपको। काफी शानदार लुक भी देखे इसके अंदर, जो कि रोड पे चेंज भी हो सकता है उस फेसलिफ्ट की वजह से काफी शानदार। यहाँ पे आपको सिटी की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और ये एक और चेंज हुआ है, यहाँ पे आपको स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो जैसे डिक्की के ऊपर बूट स्पेस के ऊपर काफी शानदार भी दिखता है, और यहाँ लुक को भी चेंज कर देता है। और अब बात करूँ फ्यूल टैंक की, तो 14 लीटर का इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक भी देखने को मिल जाता है। क्रोम डोर हैंडल देखने को मिल जाता है इसके अंदर, और यहाँ पे आपको शॉक विना एंटीना देखने को मिल जाता है, और इस साइड आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, दो तीन रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। ये यहाँ पे आपको कैमरा देखते हो तो ये होता है आपको लेन, जब इंडिकेटर करते हो तो इस साइड लेफ्ट साइड लगता है। 360 नहीं है, बट ये कैमरा जब आप साइड अगर टर्न करोगे तो आपको काफी ज्यादा मदद करेगा, एंड पीछे आ रही वाहन को भी देखने का मदद। अब बात करूं इसकी लाइट की, तो लाइट काफी शानदार है इसके अंदर, क्योंकि 9 स्टेप LED है, जो रात को समय इतनी शानदार दिखे, सामने से अगर कोई भी गाड़ी आ जाए तो समय लगता है क्या लग्जरी गाड़ी आ रही है, और हर कोई जानने को काबू रह जाता है कि कौन सी गाड़ी है। और यहाँ अगर आप टच करोगे तो गाड़ी अनलॉक भी हो जाएगी, आपको की को और रिक्वेस्ट सेंसर को दबाने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, तो यहाँ पे आपको लेदर देखने को मिल जाता है, जो कि बीज कलर में है, एंड काफी शानदार लुक प्रोवाइड करता है ब्लैक और इनके साथ। और 4 पावर विंडो, यहाँ पे आपको ORM के कंट्रोल्स एंड लॉक एंड अनलॉक देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिशिंग खोलने के लिए सिल्वर, यहाँ पे आपको अनलॉक का बटन। अब बात करें स्पीकर, तो 4 स्पीकर एंड 4 ट्विटर देखने को मिल जाता है इसके अंदर। अब चलते हैं, यहाँ पे आपको सीट हाइट देखने को मिल जाती है, मैनुअली करने पड़ते हैं, और कुशनिंग तो ठीक ठाक इसके अंदर कुशनिंग देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं अंदर इस इवेंट के, यहाँ पे आपको थोड़ी सी सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जो कि शानदार दिखती है डैशबोर्ड के अंदर। और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का, और यहाँ पे आपके लाइट का लेवल सेट करने के लिए, यहाँ साइड देखते हो तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर के कंट्रोल ऑन ऑफ, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप ऑटो पे क्लिक करोगे तो आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प लग जाएंगे। यहाँ पे आपका इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे होल्ड करोगे तो आपको MID के अंदर भी दिखाएगा कि आप ब्रेक प्रेस करो और आपकी गाड़ी सीधा स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे आपको डिजिटल देखने को मिल जाते हैं, और एनालॉग साइड है ये आपकी। अब म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ तो इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ नेविगेशन सब कुछ के अंदर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर आप कैमरे का बटन दबाते हो तो यहाँ पे आप ये भी देखने को मिल जाता है, कैमरा भी इस साइड का व्यू देख सकते हो। अगर आप इंडिकेटर दोगे तब भी होता है, बट इसके अंदर बटन भी देखने को मिल जाता है, आप व्यू भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको AC वैन
फोटो ऐसे देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप शॉर्ट एंड करोगे तो एक सारी डिजिटल, बाकी आपको यहाँ पे डिजिटल एंड एनालॉग एमआईडी देखने मिल जाती है। यहाँ पे आप फ्यूल का ल्यू और यहाँ पे आपको सीट, यहाँ पे आपको आईपीएम और यहाँ पे आपको सीट बेल्ट की वार्निंग भी देखने को मिल जाती है। यहाँ लिखा हुआ आता है साफ साफ और यहाँ पे भी ये जो ब्रेक क्लच लगाओ और इंजन को स्टार्ट करो तब कुछ भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इंडिकेट बंद करता हूँ और लाइटें भी देखने को मिल जाती है यहाँ पे आपको। और यहाँ पे एमआईडी आपने यहाँ से सेट कर सकते हो, एमआईडी में क्या क्या करना है आपको, जो जो यहाँ से आप सेट भी कर सकते हो। आपको यहाँ देख सकते हो टाइम भी दिखाता है कितना टाइम यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के और यहाँ पे एमआईडी के थोड़ा कंट्रोल देखो मिल जाए। एमआईडी में थोड़ा कुछ स्क्रॉल करके आप कर सकते हो और यहाँ पे आपको कॉल के कंट्रोल एंड वॉइस कमांड और इस साइड आपको मिलता है रेडार के कंट्रोल, लैंड की एडजस्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको अब रेडार भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल भी सेट कर सकते, आपको कंट्रोल मिल जाते हैं और रेडार के बटन देखो मिल जाते हैं। यहाँ से आप सीधा क्रूज लाओगे यहाँ पे होंडा का लोगो। अब बात करूँ स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग आपको ऊपर नीचे एंड टिल्ट एंड टेलीकॉपी दोनों देखो मिल, और लेदर अप यहाँ पे आपको दो सॉकेट देखने को मिल जाते हैं, चार्जिंग सॉकेट और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। ये थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा यहाँ पे स्पेस एंड यहाँ पे दो कप हो आपको सीट गोल लॉक करा। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक, यहाँ पे थोड़ा और स्पेस आप रख सकते हो। यहाँ पे आर्मरेस्ट में भी थोड़ा सा स्पेस, अब आर्मरेस्ट स्लाइडिंग नहीं है नॉर्मली है, जो थोड़ा छोटा नहीं है ठीक है। यहाँ से आप हमको रेस्ट भी करा सकते हो गियर में। यहाँ पे भी आपको वो बेस फिनिशिंग सॉफ्ट टॉप और यहाँ पे भी सॉफ्ट टॉप नहीं है, बट यहाँ पे आपको 1000 लैम्प के बटन, यहाँ पे आपका ग्लोबॉक्स स्पेस काफी जानदार है बट लाइट नहीं है। यहाँ पे आपको फ्यूल ओपन करने के और यहाँ पे आपका बोनट ओपन करने का बटन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपके मिरर ओआरवीएम जो कि डिजिटल है और यहाँ पे आपके सनरूफ के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको सनरूफ भी दी है और यहाँ पे आपको लाइट एलईडी लाइट काफी शानदार है। यहाँ से ओपन ऑन कर सकते हो क्लोज सनरूफ, यहाँ पे आपके माइक और यहाँ पे आप देखते हो तो आपको मिरर देखने को मिल जाता है, लाइट नहीं है और इस साइड भी आपको मिरर देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं सेकेंड रो में, यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। अब चलते हो सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो में भी ये फिनिशिंग आपको दी गई है बैक में भी। और यहाँ पे आप चलते स्पीकर, यहाँ पे आपको 1 लीटर का बोतल होल्डर और थोड़ा सा और स्पेस। अब चलते सेकेंड रो में, थोड़ी सीट की कुशनिंग और स्पेस इतना दिया गया। चलो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है और इस साइड लाइट देखने को मिल जाती है। लाइट बैक में भी आपको एलईडी दी गई है, तो शानदार लुक्स के प्रोवाइड कर रहती है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, रियर एसी वेंट और एसी वेंट के नीचे आपको 12 वोल्ट के दो चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको टायर प्रेशर और कुछ भी वैक्यूम करने में भी आसानी हो, फ्रंट में लगाने की जरूरत नहीं, बैक में भी आप लगा सकते हो और चार्जिंग भी लगा ऑफ्टर मार्केट लेके चार्जिंग लगा भी शानदार। यहाँ पे आप थोड़ा नीचे करने के लिए एसी। और अब बात करूँ, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, उसके साथ दो कप होल्डर भी देखने को मिल जाते हैं शानदार। एंड यहाँ पे आपको 3 हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं और 3 सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाते हैं। थर्ड पैसेंजर को भी अब सीट लगाने का सरकार नियम निकाल दे तो थर्ड पैसेंजर सीट बेल्ट भी होना जरूरी है, बताएंगे का अगर कंपनी पहले से ही दे रही है तो इससे बहुत बढ़िया चांस हो सकता। अब चलते हैं बाहर, ये इसका बैक लुक। थैंक यू सो मच वीडियो देने आप सभी के, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।